बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग गेम सामग्री के अंतर्गत विषय गणित लेके आए हैं, जो कक्षा 8वीं का है। यह सत्र 2022-23 के लिए और इस पुस्तक को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा बनाया गया है। चलिए देखते हैं विषय गणित कक्षा 8वीं सत्र 2022-23 के लिए। इसके अंतर्गत वर्कशीट कौन सी करेंगे हम? 26। वर्कशीट 26 में दिए भिन्न एवं दशमलव को प्रतिशत के रूप में लिखना है। हमको भिन्न और दशमलव किस में लिखना है? प्रतिशत के रूप में लिखना है। देखिए और समझे, यहाँ भिन्न संख्या को प्रतिशत के रूप में लिखना है। कैसे लिखना है उदाहरण के रूप में बताया। जैसे 2/3 को प्रतिशत के रूप में लिखे कहा है, तो हमें जब प्रतिशत के रूप में बदलना है तो जो संख्या है उसमें किसका गुणा कर देंगे? 100 का। जैसे 2/3 × 100, ये 2 × 100/3, ये 100 का 2 में गुणा किए 200/3, और 3 का भाग हमने किस में दिए? 200 में दिए, तो क्या आ गया? 66 सही 2/3%। तो ये कोशाभिन्न में आ गया, मिश्र भिन्न में। तो इस प्रकार से हम प्रतिशत में बदल सकते हैं। किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलना है तो किसका गुणा करना पड़ेगा? 100 का। चलो प्रयास कीजिए। कि कुछ प्रश्न दिए हैं, जैसे हम 4/3 को प्रतिशत के रूप में बदलना, 4/3 एक भिन्न है, इसको प्रतिशत में बदलना है तो हम किसका गुणा कर देंगे? 100 का। 100 का गुणा की हमने तो कितना हो गया? 100 का 4 में गुणा की तो 400, और 3 का भाग 400 में देंगे कितने बार जाएगा? 133 सही 1/3, यानी कि हमने 3 का भाग दिए कितने बार गया? 133 बार गया, जो क्या आ गया? भागफल और शेषफल क्या बच गया? 1। तो इस प्रकार से मिश्र भिन्न में आ गया प्रतिशत। इसी प्रकार 3/40 को प्रतिशत रूप में लिखे तो 3/40 × 100, 10 से 10 कट गया। अब क्या बचा? 3 × 10/4, 3 का 10 में गुणा की 30/4, और 4 का भाग हम किस में देंगे? 30 में नहीं जाएगा, तो सीधे हम किसका देंगे? 2 × 2 = 4, और 2 का भाग 30 में दी कितने बार गया? 15 बार। तो क्या आ गया? 15/2%। और जब 15/2% को हम कायम बदल देंगे, भाग देते हैं किसका? 2 का भाग देंगे किस में? 15 में, तो कितने बार जाएगा? 7 सही 1/2 बार, यानी कि प्रतिशत आ गया। क्योंकि जब हम 2 का भाग 15 में देंगे तो 7 बार जाएगा और शेषफल क्या बच जाएगा? 1। तो इसको क्या लिखेंगे? 7 सही 1/2%। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हुआ। इसी का प्रश्न नंबर 3 देखिए, 7/25 को प्रतिशत के रूप में बदलिए। तो ये लिख देंगे 7/25 × 100 बराबर, देखिए 25 का भाग 100 में दी कितने बार गया? 4 बार गया, तो क्या बचा? 7 × 4, 7 का 4 में गुणा किए तो कितना आ गया? 28। इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो गया? 28% हो गया। अभी तक ये भिन्न थे, भिन्नों को हमने कायम बदले, प्रतिशत में बदले। अब क्या कह रहा है? ये दशमलव भिन्न है तो इसको प्रतिशत में कैसे बदलेंगे? देखिए 0.25 × 100, प्रतिशत बदलने के लिए किसका गुणा करेंगे? 100 का। तो हमने 100 का गुणा कर दिए। अब ये दशमलव को हमने किस में बदल दिए? भिन्न में बदले। तो यहाँ 2 संख्या बाद दशमलव, इसलिए 25/100 लिख दिए। 100 से 100 कैंसिल हो गया। अब क्या बच गया? 25%। एंड 0.25 को प्रतिशत रूप क्या होगा? 25%। इसी प्रकार 0.50 को प्रतिशत के रूप में, तो 0.50 × 100%, तो ये क्या हो जाएगा? 50/100, क्योंकि यहाँ 2 संख्या बाद दशमलव था। अब देखिए 100%, ये 100 किसका आया? ये 100% है, क्योंकि हम प्रतिशत में बदल रहे हैं। ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया? 50%। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6। इसमें भी उसी प्रकार करेंगे, 0.75 × 100, 75/100 हो जाएगा, क्योंकि ये नीचे 100 किसका आ रहा है? ये दशमलव, 2 संख्या बाद दशमलव, इसलिए 100 आ रहा है। 100%, तो ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया? 75%। इस प्रकार से 0.75 का प्रतिशत रूप क्या होगा? 75%। प्रश्न नंबर 6 यहाँ कंप्लीट होता है। और पृष्ठ क्रमांक 34, इसके पृष्ठ क्रमांक 34 के साथ ही ये जो वर्कशीट है आपकी, वर्कशीट 26 यहाँ पर क्या होती है? कंप्लीट होती है। वर्षित 26 में क्या दिया था आपको? भिन्न एवं दशमलव को प्रतिशत के रूप में लिखना। यदि यह वर्कशीट आपके समझ आई है तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।